हिंदी दिवस के अवसर पर वीरेंद्र अयन प्लस टू उच्च विद्यालय डोंडा में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ धीरेन्द्र कुमार सिंह, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी धनवार किशोर कुमार के अलावे हिंदी भाषा प्रेमी समाज सेवी विभिन्न विद्यालयों के निदेशक के साथ साथ विद्यालय में अध्ययनरत सैकड़ों छात्र छात्राएं उपस्थित थीं। इस दौरान वक्ताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। आज जो काम करके दिखाया है वो पावर सिद्धि मुझे दिखाई दे रही है। मैं जब आसाम गया था तो वहाँ की भाषा असमिया भाषा जो वहाँ के लोगों से सुना करता था, और जब दो संयोग से उसी क्षेत्र में हमारे बच्चे की पोस्टिंग हुई, दोबारा जब उसका ऑफिस देखने के लिए जाना पड़ा तो उस समय जो हिंदी भाषा का प्रचलन देखकर हम गौरवान्वित होते। मुख्य अतिथि अनुमंडल पदाधिकारी खोरी महुआ धीरेन्द्र कुमार सिंह ने अपने संबोधन में कहा, किसी की मोहताज तो है नहीं, फिर भी हम सब आज अगर यहाँ उपस्थित हुए हैं तो निश्चय ही हमको सोचना होगा कि हिंदी के विकास, हिंदी की पद यात्रा में हम भी एक मील का पत्थर बने। अगर हम याद करें तो 1949 निश्चित रूप से आधिकारिक रूप से हिंदी को एक आयाम देती है, फिर भी 53 की यात्रा भी रखें तो ये केवल शब्दों का खेल हो सकता है, वर्षों की यात्रा हो सकती है, लेकिन हिंदी तुलसीदास से, सूरदास से, कबीरदास से अपना बल और हिंदी में मुझे सवाला है, हिंदी में जो बातें होती हैं, जो भावनाएं होती हैं, शायद अन्य भाषाओं में नहीं है, हो भी नहीं सकती है, क्योंकि जो भावनाएं निकलती हैं वो अनुभूति का विषय होता है और अनुभूति शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।